नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पैडी के बारे में, यानी पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि धान को अंग्रेज़ी में पैडी कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है यानी बॉटनिकल नेम जो है वो ओराइजा सटाइबा के ओराइजा सटाइबा नाम का है। इसको वैज्ञानिक नाम कहते हैं या वैज्ञानिकों ने इसका जो नाम दिया। और अगर हम बात करें इसके वंश की या इसके फैमिली की या इसके कुल की, तो ये पोएसी फैमिली का है या पोएसी वंश का है। पोएसी जो इसके फैमिली का जो नया नाम है, और इस पुराना नाम जो इसके फैमिली का यानी इसके वंश का जो पुराना नाम है वो ग्रैमिनी है। और पैडी में गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र इसका जो है 24 है यानी 24। इस फैमिली में यानी पोएसी फैमिली में या ग्रैमिनी फैमिली में दो जातियां पाई जाती हैं जिसको हम उगाते हैं। एक ओराइजा सटाइबा की है एक फैमिली, और एक फैमिली ओराइजा ग्लेबेरिमा, यानी दो फैमिली की जो पैडी है यानी धान है इसको हम सब उगाते हैं। और बाकी इसमें 20 जंगली प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो जंगलों उंगलों में उगती हैं। अगर हम इसको उगाने की बात करें, तो अगर आपके पास खाद, सिंचाई या उर्वरक अगर आसानी से उपलब्ध है यानी सुलभ उपलब्ध है आसानी से, तो इसको आप किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं। धान को अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। चाहे वो मिट्टी अम्लीय हो या क्षारीय हो, इसको दोनों मिट्टियों में आसानी से उगाया जा सकता है। धान की सबसे अधिक या सबसे बढ़िया उपज लेने के लिए या पैदावार लेने के लिए इसमें जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो मटियार होती है, या फिर मटियार दोमट होती है, या फिर दोमट मृदा। इसमें इन तीनों मिट्टियों में अगर धान की खेती की जाती है अच्छी तरीके से, तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन मिट्टियों में जो जल संरक्षण की शक्ति होती है या कि जल संरक्षण जो अधिक होता है, इसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, और धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें अच्छी पैदावार होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एग्रीकल्चर में कुछ नया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।